रांची के बाद अब कोलकाता की ये तस्वीर देखिए जो कि हैरान करने वाला है। कोलकाता में आज प्रोटेस्ट किया गया और उस प्रोटेस्ट में पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पुलिस के ऊपर पत्थर चलाया गया है। कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है जहां पर पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर लोग पीट रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर धड़ल्ले से वायरल हुआ, जहां पर महिला भी आपको दिखाई दे रही है जो पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकती हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीर देखिए, एक के बाद एक आपके स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि क्या माहौल वहां पर बना होगा। बताया जा रहा है वेस्ट बंगाल छात्र समाज ने ये प्रोटेस्ट करने का अभियान किया था, और नाबाना अभियान के दौरान ये सब कुछ देखने को मिला है वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में, जहां पर पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। अब आप सोशल मीडिया पर जाइए, खास करके ट्विटर पे आप जाइए तो ये तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, जहां पर एक कुछ इस तरीके का नजारा देखने को मिला कि किस तरीके से पत्थर जो है वो पुलिस कर्मियों के ऊपर चलाए जा रहे हैं। और उसके बाद एक ये खबर देखिए, बताया जा रहा वेस्ट बंगाल छात्र समाज ने ये आह्वान किया था प्रोटेस्ट का, और उसके बाद आप ये खबर देखिए। इस खबर में आप देखिए क्या ये लोग आपको स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। লোকে সোশ্যাল মিডিয়া কে উপর এসে ক্লিপ শেয়ার কর রহে হ্যায় জহাঁ পর ইস প্রোটেস্ট সে তসবীর নিকল কর সামনে আই। যে পত্রকারো নে উন লোগো সে পুছনা শুরু কিয়া তো ক্যা ইয়ে লোগ আপকো স্টুডেন্ট দিখাই দে রহে থে, और न्यूज चैनल में भी ये बातें चल रही थी। और उसके बाद ये तस्वीर देखिए, बताया जा रहा है कि ओल्ड स्टूडेंट, ये जो छात्र समाज की ओल्ड स्टूडेंट है जिसको पुलिस ने यहाँ पर पकड़ा हुआ है। आप देखिए इस तस्वीर को, तमाम ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल रही है। पहले रांची में आपने देखा क्या कुछ हुआ, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई, कई पुलिस कर्मी घायल हुए, जवान घायल हुए, और अब ये तस्वीरें कोलकाता से निकल कर सामने आ रही है जो कि हैरान करने वाला है। आप देखिए महिलाएं किस तरीके से हाथों में पत्थर लेकर पत्थर फेंकती हुई दिखाई दे रही है। संगमित्रा एक ट्वीट करती है, आज तक बांग्ला का ये वीडियो क्लिप जिसमें लिखा गया है कि आज तक बांग्ला ने इन डुप्लीकेट स्टूडेंट को एक्सपोज किया जो कि छात्र समाज प्रोटेस्ट में इन लोगों ने हिस्सा लिया। अब इस तस्वीर इस वीडियो को देखकर आप खुद ही बताइए कि क्या ये लोग स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं आपको। आज इस प्रोटेस्ट को लेकर पूरा कोलकाता बंद पड़ा हुआ है, लोग अपने घर पे हैं, गाड़ी नहीं चल रही है। और इस प्रोटेस्ट को लेकर पुलिस ने बैरिगेटिंग की, पुलिस ने अपनी तैयारी की, और उसके बाद होता क्या है, शाम तक ये तस्वीर निकल कर सामने आती है कि पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई है। इन तस्वीरों को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ वहां पर हुआ है और क्या तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। आरोप जो है वो बीजेपी के ऊपर भी लग रहा है, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि ये लोग बीजेपी के हैं या फिर किसी और के है। इस बात की पुष्टि पुलिस करेगी, और पुलिस ने इस मामले को लेकर एक ट्वीट किया है। महुआ मोहतरा ने भी एक ट्वीट किया है जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। पुलिस ने इस बात को लेकर लोगों से ये अपील की है कि ये लोग कौन है उसके बारे में आप जानकारी दें, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन इस खबर के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।